नौमी की शुरुआत में आपका स्वागत है। स्वराज्य के संस्कारों मतलब अपने ऊपर राज्य करना, अपने मन को कंट्रोल, बुद्धि को कंट्रोल, संस्कारों को कंट्रोल और इन पांच कर्म इंद्रियों के ऊपर ऑटोमेटिक कंट्रोल आ जाता है। स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकारी अधिकार प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्माभाव, बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर हम आत्मा को अपने मन बुद्धि संस्कार माइंड इंटेलेक्ट एंड हैबिट्स पर कंट्रोल है तो हम भविष्य में भी इस कंट्रोल के थ्रू हम राज्य कर पाएंगे। अगर बार बार वशीभूत होते हो कोई कमी कमजोरी के कारण हम राइट डिसीजन नहीं लेते हैं, तो अगर हम वशीभूत हो जाते हैं अपने नेगेटिविटीज़ अपने वीकनेस के थ्रू, चाहे वो काम क्रोध लोभ अहंकार हो, अधिकारी बनने के संस्कार नहीं हैं तो राज्य अधिकारियों के राज्य में रहेंगे, राज्य भाग्य प्राप्त नहीं होगा। रहेंगे उनके अधिकार में लेकिन राज्य भाग्य नहीं होगा। तो नॉलेज के दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो कि हमने कितना राज्य भाग्य प्राप्त करने के, अपने संस्कार कितने चेंज किए हैं, अपने अंदर कितनी कमी है कमजोरियों को हटाया हमने। बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी स्थित साथियों को अपने अधिकार में चलाओ। और वो साथी कौन है, सहयोग करने वाले कर्मचारी कौन से हैं? तो नॉलेज के दर्पण में अपने तकदीर को की सूरत को देखो, बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। मन बुद्धि संस्कार हमारे साथी हैं। राजा बनो तब कहेंगे तकदीरवान आत्मा। उसका राजा खुद के मन बुद्धि संस्कार का राजा पहले, फिर जा कर के वो प्रैक्टिस हुआ एक्सपीरियंस के थ्रू जो हम अभी प्रैक्टिस करेंगे वो जा कर के सत्युग हमारे साथ होगा, त्रेता में हमारे साथ होगा। ओम शांति।